Dear students, Assalamu alaikum. आज हम 3.1 first year mathematics chapter number 3 start करेंगे. ये pre first year class हो रही है. Question number 1, 3.1 exercise है. Question number 1. A equal to 2315 और B is equal to 1764. इसका पहला पार्ट 4a minus 3a is equal to a. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट मूव करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 4a minus 3a. a की a जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू देखें 2315. a की वैल्यू 2315 minus 3. दोबारा a, तो दोबारा a की वैल्यू 2315. अब 4 मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्ट लेते हैं 8 4 3 इज 12 4 1 इज 4 4 5 इज 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 3 3 इज 9 3 1 इज 3 और 3 5 इज 15 8 माइनस 6 12 माइनस 9 4 माइनस 3 20 माइनस 15 ये आपके पास आगे 8 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 2 और 12 माइनस 9 3 उसके बाद 4 माइनस 3 1 और 20 माइनस 15 5 ये आपके पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड है इक्वल टू, ये देखिए पहला पार्ट किसके इक्वल आ गया 2315 और 2315 दोबारा क्या a इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकंड पार्ट 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3b माइनस a. अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 3b माइनस 3a 3b की वैल्यू आएगी b मैट्रिक्स कौन सा है 1 7 6 4 माइनस 3 और a की वैल्यू है आपके पास 2 3 1 5 3 1 दा 3 3 7 दा 21 3 6 दा 18 3 4 दा 12 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 1 दा 3 3 5 दा 15. तो ये आपके पास आएगा. दोनों को माइनस कर दें. जब माइनस करते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होती है. करस्पॉन्डिंग मीन 3 माइनस 6 21 की करस्पॉन्डिंग 9 18 माइनस 3 12 माइनस 15 3 माइनस 6 माइनस 3 यह आपके पास 12 आएगा 18 माइनस 3 15 12 माइनस 15 माइनस 3 इसको आप कर लें क्वेश्चन नंबर 1. अब आप निकालें राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है 3 ब्रैकेट b माइनस a 3 बाय और b की वैल्यू है b की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 1 7 6 4 मैट्रिक्स है 1 7 6 4 माइनस a की जगह 2 3 1 5 तो ये आपके पास आएगा 3. अब माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज. देखें यहां प्रोडक्ट भी है और माइनस भी हो रहा है तो पहले ब्रैकेट हल करनी है इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन यहां क्या था लेफ्ट हैंड साइड में b को भी 3 से मल्टीप्लाई किया था और a को भी 3 से फिर माइनस किया था तो ये आएगा 1 माइनस 2 7 माइनस 3 6 माइनस 1 4 माइनस 5 3 1 माइनस 2 माइनस 1 7 माइनस 3 4 6 माइनस 1 5 4 माइनस 5 माइनस 1. अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये आपके पास आएगा 3 1 का माइनस 3 आएगा 3 4 का 12 3 5 का 15 और 3 1 का 3 माइनस 3 इक्वेशन 2. अब जरा इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें. इक्वेशन 1 का आंसर आया था माइनस 3 12 15 माइनस 3. इक्वेशन 2 का आंसर आया माइनस 3 12 15 माइनस दोनों बराबर आ गए. इधर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर आपके क्या ट्रू हो गए देयरफॉर दोनों बराबर आ गए 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3b माइनस a ये आपका ट्रू. दोबारा देख लें दूसरा पार्ट 3b माइनस 3a इट्स मीन कि
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 3b माइनस 3a लिखेंगे, 3b की जगह b मैट्रिक्स 1 7 पहली रो है, 6 4 सेकंड रो ये लिख लें, माइनस 3 फिर a की जगह 2 3 1 5 3 1 3 3 3 7 21 3 6 18 3 4 12 3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 5 15 दोनों को माइनस करें, 3 minus 6 21 minus 9 18 minus 3 और 12 minus 15 तो यहां minus 3 12 15 minus 3 अब राइट हैंड साइड 3 ब्रैकेट में लिखेंगे b minus a 3 b की वैल्यू रहेंगे 1 7 6 4 a गिवन है फिर a minus a की वैल्यू है 2 3 1 5 तो ये आएगा 1 minus 2 7 minus 3 6 minus 1 4 minus 5 1 minus 2 minus 1 7 minus 3 4 6 minus 1 5 और 4 minus 5 minus 1 मल्टीप्लाई करें 3 से 3 1 3 3 4 12 3 5 15 और 3 1 3 अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन किया जाए दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों के आपके ये दोनों इक्वल आ गए लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर प्रूव हो गया 3b 3a इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट b a इक्वेशन 1 खत्म हो गया Next question number 2 a की वैल्यू ये है iota 0 1 minus iota प्रूव क्या करना है a power 4 is equal to i 2 इसमें नोट करेंगे a की power 4 निकल तो पहले हम a square निकालेंगे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में a square लिखें a multiply by a a की वैल्यू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा फिर एक आयोटा 0 1 माइनस आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि आपने 9 में मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं प्रोडक्ट उनका पढ़ा हुआ है तो उसका दोबारा देख लें फर्स्ट रो यहां से लेनी है और यहां से फर्स्ट कॉलम पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी यहां से रो की फर्स्ट एंट्री यहां से कॉलम की यहां आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा दरमियान में आता प्लस यहां से सेकंड एंट्री और यहां से सेकंड एंट्री आपस में 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दोबारा समझ लें जब भी आपने मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है उसका ये आसान तरीका क्या है कि आपने इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड एंट्री को सेकंड से दरमियान में प्लस फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले देखना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से अगर और कॉलम हो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जितने भी कॉलम है पहले फर्स्ट रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करें जब भी कॉलम चेंज हो दरमियान में स्पेस दें कैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अब फर्स्ट रो लें और सेकंड कॉलम तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 और सेकंड से 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर स्पेस देनी है जब कॉलम चेंज करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा अब आगे बारी सेकंड रो की अगर एक और कॉलम होता तो फिर स्पेस देते और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते अब आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बताया था यहां से सेकंड रो ले लें यहां से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से यानी 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस सेकंड एंट्री सेकंड से माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अब आ जाए सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एंट्री 1 है और सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 0 प्लस यहां से सेकंड रो है सेकंड कॉलम है इसकी सेकंड एंट्री माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय इधर भी माइनस आयोटा यहां से आपने सेकंड रो ले ली और यहां से आपने सेकंड कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई 0 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा दरमियान में प्लस ये क्या आएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 1 0 ये आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा वन मल्टीप्लाई आयोटा 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 मल्टीप्लाई वन आयोटा माइनस आयोटा है जो माइनस है सिंबल वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो माइनस मल्टीप्लाई भी माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केल आप जरा कितने लगाएं
नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा होगा आई प्लस के की वैल्यू माइनस वन, तो पुट कर ले माइनस वन जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस वन प्लस जीरो तो माइनस वन जीरो, ये काट लेंगे जीरो और आई प्लस के वैल्यू माइनस वन। अब हमने अभी क्या हासिल किया है, ए की पावर टू, मुझे क्या चाहिए ए की पावर फोर। यहाँ दो तरीके हैं कि ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें ए क्यूब हासिल होगा, फिर ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर फोर हासिल होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए ए की पावर फोर। हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ए की पावर फोर, ए की पावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड किया, अब अगर ए स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर फोर हासिल होगा, तो उसके लिए पहले ए स्क्वायर की कीमत पुट करें माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, फिर ए स्क्वायर माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन किस मल्टीप्लाई होगा माइनस वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से दरमियान में प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से और सेकंड एंट्री सेकंड से यानी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन। इधर से अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री जीरो मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो, सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, ये बन गया माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन जीरो प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो, ये जीरो और माइनस माइनस प्लस वन, तो ये वन जीरो जीरो वन। इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके प्रिंसिपल डायगनल एंट्रीज सेम होती हैं और वन सारे वन होते हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज सारी क्या होगी जीरो होगी, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से जाहिर करते हैं, मतलब अगर दो रो दो कॉलम है तो आई टू, अगर तीन रो तीन कॉलम है तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन आई सी। ये क्या है आपके पास आई टू एज रिक्वायर्ड, ए की पावर फोर इज इक्वल टू आई टू, ये प्रूव करता था ए की पावर फोर इज इक्वल टू आई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट वन, एक्स प्लस थ्री वन माइनस थ्री और थ्री बाय माइनस फोर इज इक्वल टू टू वन माइनस थ्री और टू, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन क्या है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप देखें दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप इक्वल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, तो या इसका मतलब दोनों इक्वल दिए हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल ले सकते हैं, एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल ले सकते हैं एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस थ्री की करस्पॉन्डिंग एंट्री है टू तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब नेक्स्ट है जिस वन की करस्पॉन्डिंग वन है माइनस थ्री की माइनस थ्री है और तो फिर थ्री वाई माइनस टू किसके इक्वल होना चाहिए, थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू प्लस टू, थ्री वाई इज इक्वल टू टू प्लस फोर, थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स डिवाइड बाई थ्री, तो वाई इक्वल टू एक्स भी फाइंड हो गया और वाई। फिर दोबारा से मैंने ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस थ्री की करस्पॉन्डिंग एंट्री टू है तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, थ्री उधर ले जाए इधर प्लस के उधर जाके माइनस का, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। इस तरह वाई निकालने तो वाई यहाँ भी उधर, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री देख लें थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू टू, फोर उधर ले जाए माइनस के उधर जाके प्लस, थ्री वाई इक्वल टू टू प्लस फोर, थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी सिक्स डिवाइड बाई थ्री, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू। नेक्स्ट करते हैं पार्ट दूसरा पार्ट इसको क्वेश्चन थ्री, सेकंड पार्ट
इसमें देखें करस्पॉन्डिंग x x y फाइंड करें तो x plus 3 किसके इक्वल होंगे, x plus 3 is equal to y। अब यहां से देखें ना x फाइंड हो रहा है ना y, तो हम एक काम करते हैं वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं कांस्टेंट एक तरफ, तो x minus y is equal to minus 3 इस पे गया नंबर 1। दोबारा देखें x plus 3 के करस्पॉन्डिंग एंट्री y है, x plus 3 is equal to y, y the length x minus y 3 उधर equal to minus 3 equation number 1। अब y निकालना तो ये y by 3 y minus 4 किसके equal है 2x, 3y minus 4 किसके corresponding है, इसके corresponding entry है 2x, तो ये x y वाले एक तरफ कर रहे हैं 2x पर आके आप 3y minus 2x is equal to 4, ये 3y 2x इधर प्लस का है जब इधर आएगा तो माइनस का और माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, x वाले अच्छा सबसे पहले पहले x चार्ट में x लिखते हैं फिर y, तो ये बनेगा minus 2x plus 3y is equal to 4 equation number 2। अब दो इक्वेशन मिल गई आपको, उन दोनों को हिसाब करके आपस में x और y की वैल्यू निकालनी है, इसके मुख्तलिफ मेथड है। हम क्या करते हैं यहां x के वैल्यू x के साथ कोफिशिएंट 2 है, यहां x के कोफिशिएंट क्या है 1, या x के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं या y के, यहां y के कोफिशिएंट है 3 यहां y का 1। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां 2x है, यहां भी कितने x हो जाएंगे 2x, दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सेम, या अगर इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां 3y और इधर भी 3y, तो आपकी मर्जी है। तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 x वाले बराबर कर, तो ये क्या आएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, ये नई इक्वेशन बन गई 3 नाम दे। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सॉल्व करके, क्योंकि जहां इसके कोफिशिएंट देखें x का कोफिशिएंट 2 है यहां भी x का कोफिशिएंट 2 है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 2 और 3। अगर ये भी प्लस का होता ये भी प्लस, दोनों के साइन सेम होते तो हम सबट्रैक्ट करते, यहां एक माइनस का 2x है एक प्लस का 2x है, दोनों को ऐड कर दें एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब ऐड करें माइनस 2x, जब 2x में ऐड हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3y प्लस के और माइनस के 2y, तो ये सिर्फ y बचेगा, इधर से 4 माइनस 6 माइनस 2 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y इक्वल टू माइनस 2। दोबारा देखें सबसे पहले हमने x प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया y, x और y वाले एक तरफ ले हैं, ये y प्लस का इधर आके माइनस का, ये 3 इधर जाके माइनस 3, x माइनस y इक्वल टू माइनस 3, फिर 1 की करस्पॉन्डिंग 1 है माइनस 3 करस्पॉन्डिंग माइनस 3, हमें y निकालना है y तो यहां मौजूद है 3y माइनस 4 इक्वल टू 2x। अब आपके पास क्या आएगा ये 3y माइनस 4 इक्वल टू 2x, x और y वाले एक तरफ करेंगे 2x प्लस का है इधर आके माइनस 2x, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, पहले x वाले लिखते हैं तो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करके हमने x और y की कीमत निकालनी है, उसके लिए देखें यहाँ x के सब कोफिशिएंट है 2 यहाँ x का 1, बराबर करने के लिए या x के बराबर करेंगे या y, मैंने x के किए आपकी मर्जी, आप y के कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई के लिए 1 बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3। आप जो नई बनी है 2 और 3 इनको देखें, इनको आपस में हल करके x और y निकाल लें, यहाँ माइनस के 2x है यहाँ प्लस के 2x है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, साइन डिफरेंट है तो ऐड, साइन सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करते, तो ये जब ऐड होंगे माइनस 2x और 2x कट जाएंगे, 3y और 2y माइनस के हैं तो 3y माइनस 2y y और 4 माइनस 6 माइनस 2, फिर भी समझ नहीं आ रही रफ में कर देता हूँ कि माइनस 2x प्लस 3y is equal to 4 और इधर से 2x minus 2y equal to, इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कैंसिल 3y minus 2y y 4 minus 6 minus 2, ये y कर कितनी आ गया प्लस minus 2। अब मुझे y मिल गया, अब x चाहिए, तो ये y की कीमत आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं 2 में भी और 3 में, इजी कहां है 1 में y putting value of y in
इक्वेशन नंबर वन पुट करें, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो एक्स भी आ गया आपके पास और वाई भी आ गई, बात समझ आ गई। तो इसमें दोबारा देखेंगे, पहले एक्स जब आप वाई फाइंड करेंगे तो ये वाई की वैल्यू इक्वेशन वन में भी पुट की जा सकती है, इक्वेशन टू में भी और इक्वेशन थ्री में भी पुट कर सकते हैं। वहां से आपको एक्स मिलेगा, वाई की वैल्यू इधर पुट करते हैं, एक्स माइनस फिर वाई की जगह माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस और माइनस प्लस टू, टू जब उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। ये क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके दोनों पार्ट मैंने कर दिए। अब नेक्स्ट फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपने खुद करने में स्टेटमेंट लिखता हूं, पहला पार्ट है 4a माइनस 3b और सेकंड है a प्लस 3b माइनस a। इसमें हम नोट करें, पहले पार्ट में a को हम अप्लाई करेंगे 4 से और b को 3 से, दोनों को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे a प्लस 3, पहले b माइनस a निकालेंगे और उसको अप्लाई करेंगे 3 से, फिर a में ऐड कर देंगे, पहले ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने ऊपर किए, क्वेश्चन नंबर वन। तो ये आपने खुद कर दिया। क्वेश्चन फाइव आ के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स और वाई फाइंड करना है, टू जीरो एक्स वन वाई थ्री प्लस टू वन एक्स वाई जीरो टू माइनस वन इज इक्वल टू फोर माइनस टू थ्री वन सिक्स वन। लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे पहले लेक्चर का, क्वेश्चन है दोबारा एक बार देख लेते हैं, टू जीरो एक्स वन वाई थ्री प्लस टू है वन एक्स वाई जीरो टू माइनस वन इक्वल टू फोर माइनस टू थ्री वन सिक्स वन। इसमें भी हमने क्या करना है, जैसे अभी क्वेश्चन किए हैं जिनमें फाइंड वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड किए, यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू, ये दैट इज 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x, 2 मल्टीप्लाई y 2y, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 1 का 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 और 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 किस में ऐड होगा, 2 प्लस 2 0 प्लस 2x, x प्लस 2y, 1 प्लस 0 y प्लस 4 3 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 2 x तो 2x, ये x है ये y आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो x प्लस 2 y ही रहे। 1 प्लस 0 1, y प्लस 4 और 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 और 1। अब ट्रांसफॉर्मिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं, जिस तरह 4 के सामने 4 तो 2x किसके इक्वल होगा, माइनस 2 2 व्हिच इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू माइनस 2, 2 भी डिवाइड कर रहे हैं माइनस 2 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब y निकाल लें, अच्छा y कहाँ कहाँ मौजूद है, देखें यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। सिंपल कौन से, यहाँ देखें सिर्फ y है, यहाँ x भी है y भी है, अगर इसके जरिए करेंगे तो फिर x की वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेगी, तो आसान कौन सा है ये, इसमें सिर्फ y है इजीली फाइंड हो जाएगा, अगर इसको 3 के इक्वल रखेंगे वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वहां पहले x की कीमत आपको पुट करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल ये है, तो इधर से और क्या आएगा, दूसरा y प्लस 4 किसके इक्वल है, देखें y प्लस 4 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 4 y इक्वल टू 2, x भी आ गया हो आपके पास y भी।
इसको दोबारा देख लेंगे हम। ये क्वेश्चन लिखा, ये एडिटर लिखा, 2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय x 2 x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 y 2 मल्टीप्लाई 0 0 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 1 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 0 प्लस 2 x x प्लस 2 y 1 प्लस 0 y प्लस 4 और 3 माइनस 2 2 प्लस 2 4 0 प्लस 2 x 2 x x प्लस 2 y एज इट इज आ रहा है 1 प्लस 0 1 y प्लस 4 3 माइनस 2 1 इक्वल टू ये एज इट इज। अब 2 x किसके इक्वल देंगे, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। y निकालना है, y यहां भी है और यहां भी है, दोनों में से सिंपल निकालने का तरीका ये है, y प्लस 4 इक्वल टू 6 डायरेक्ट आ जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 4 y इक्वल टू 2। और अगर अब इसे करें तो फिर भी हो जाएगा, मैं रफ निकाल दूं, x प्लस 2 y इक्वल टू 3, लेकिन इसमें x की कीमत पुट करनी पड़ेगी, कितनी है, माइनस 1 प्लस 2 y इक्वल टू 3, 2 y इक्वल टू 3 प्लस 1, 2 y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 बाय 2, y इक्वल टू 2, वहाँ भी y इक्वल टू 2, आपकी मर्जी है, इसको 3 के इक्वल नहीं है, y प्लस 4 को 6 के इक्वल है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन आज किए हैं, आज आप इनको नोट बुक पे लिख लें, रीड नोट बुक पे, तो कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।